यस, ये एक्टिविटीज़ है, ये अभी रेनोवेट हो रहा है मेरे ख्याल से, और यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं। और मार्केट है वो, और वहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो लोकली जो भी लोग आते हैं वहाँ, स्पेशली टूरिस्ट वगैरह भी वहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं। हर तरह के मसाले और जितने भी आपको आइटम्स हैं गोश्त वगैरह के, हलाल के स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो चलते हैं मारुति मनीस। यहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और मेन लिस्बन के अंदर एक काफ़ी बड़ा ये स्क्वायर कहलाता है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह मिलते हैं मारुति मनीस में। और ये एक प्रॉपर एक जगह का नाम है जहाँ पे, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट तरह के कल्चर के लोग मिलेंगे, और जो भी पुर्तगाल आता है वो मोस्टली इस जगह पे ज़रूर जाता है। आज हमने यहाँ पे उतर के सर्वे नहीं किया है डिफरेंट जगहों पर, लेकिन इस जगह को कवर ज़रूर किया है कि थोड़ा सा देख ले कि यहाँ पे एक आइडिया दे दें। नेक्स्ट व्लॉग में सून आपको जो है ये कभी यहाँ का विज़िट कराएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी शॉप्स वगैरह हैं। और अगर आपको एशियंस को कोई अगर नहीं मिलता है कोई मसाला, जापनीज़, चाइनीज़ या किसी भी कंट्री के रहने वाले को, तो इस जगह पर अच्छा खासा जो है ये आपको चीज़ें अवेलेबलिटी होती हैं। रास्ते काफ़ी क्लियर थे जब हम जा रहे थे और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन ये जो टाइम था ये शाम का था इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं थी। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे थे यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, और हमने सोचा कि प्लान किया कि चीज़ें जो हैं वो बाद में लेंगे, लेकिन ब्लॉग में मैंने कवर कर लिया कि आपको इस जगह का विज़िट ज़रूर करवाना है किसी दिन। अब जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन थी वो कुछ खाने की थी, और आपको सोचा कि इस व्लॉग में ये ज़रूर दिखा दूँगी हलाल फूड आइटम्स, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती है। हलाल के अलावा जिस जगह पे अब ये आगे हम जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ का चिकन जो है वो, इसके अलावा स्टेक वगैरह भी है यहाँ पर और मशहूर है, और पूरा मेन्यू और हर चीज़ आपको जो है ना मैं दिखाऊँगी इस व्लॉग में। तो मेरे साथ जुड़े रहें और व्लॉग को एंड तक देखें, और जो भी आपको इसमें अच्छा लग रहा है या कमेंट है आपका कोई तो वो आप कर सकते हैं, लाइक कर दें ज़रूर वीडियो को, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप रूटीन्स देखना चाहते हैं कि क्या रूटीन रहता है पुर्तगाल में या लिस्बन में, तो आप ज़रूर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये थी वो जगह और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। नाम है इसका ज़ुबैर चौरस्क्वायरा, चौरस्क्वायरा जगह को कहते हैं जहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे हम गए थे तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था। एक्चुअली यहाँ पे इतना वेट जो है वो करना ही पड़ता है अक्सर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर आपको बर्थडेज वगैरह भी सेलिब्रेट करनी है और रश ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है और हलाल भी है, हलाल के ऑप्शंस कम होते हैं यहाँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, इसलिए काफ़ी लोग प्रिपेयर कर जो है वो सोचते हैं यहाँ पे आने का। इसके साथ ये मेन्यू है, मेन्यू में सारे प्राइजेज और सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। और अगर आपको नॉनवेज में मसला है तो ये फ्रांगो चिकन को कहते हैं और कारने यहाँ पे गोश्त को कहते हैं। तो इस तरह से ये था, डील्स भी थी इनकी। और इसके साथ साथ अगर आप सेपरेट जो है वो खाली इनके ये आइटम्स खाना चाहते हैं बारबेक्यू वगैरह, तो वो भी होता है। इसके अलावा बेबीदास कहते हैं ड्रिंक को, तो ये ड्रिंक्स वगैरह, पानी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है सेटअप अगर आप आते हैं। और जो फैमिली मील वगैरह है हमने भी वही ऑर्डर किया था, और वो एक छोटा भी है वो काफ़ी हो जाता है। Thank you.
इसके बाद हम आए हैं ये उबो मॉल। यहाँ पे कुछ काम था और काम से रिलेटेड भी आपको बताएंगे। ऑलमोस्ट बंद ही हो गया ये सारी शॉप्स। जो भी न्यू प्रमोशन या कुछ वाले जो मॉल है ये इतना बड़ा है कि यहाँ के बीच के जो एरिया है ना स्पेस है इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जब भी यहाँ कुछ ना कुछ नहीं हो रहा होता है या ऐसी ये एक्टिविटीज़ है ये अभी रेनोवेट हो रहा है मेरे ख्याल से और यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये जैसे कि स्क्रीन है और यहाँ पर ये डांस वगैरह भी सिखाते हैं। अगर कुछ लोगों को ये है कि हमें डांस वगैरह सीखना है यहाँ पर अंदर हो भी रहा है। इनकी रिहर्सल्स चल रही हैं तो हम चलते हैं अंदर। ये टॉयज़ की बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ इन्होंने कोई इनके ट्रेडिशनल लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छे स्टॉल्स हैं। नो सो यहाँ पे हमने आगे से की थी थोड़ी सी चेंजेस कराने थे इस शॉप से और जो भी मोबाइल वगैरह का या इंटरनेट का काम होता है वो इधर जो शॉप्स होती हैं लोकली इनके भी आपको दिखाऊंगी किसी और व्लॉग में या वीडियो में कि किस तरह से चेंजेस वगैरह करवाते हैं अगर आपको कनेक्शंस वगैरह लेने हो मोबाइल सिम में या किसी भी तरह के इंटरनेट के तो या फिर आपको टीवी वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने आगे शॉपिंग वगैरह नहीं की थी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और 11 बजे तक ये मॉल्स जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ बस यहाँ पे हमने देखा था कि आइसक्रीम जो है वो कोई हमें वीगन या फिर हलाल मिल जाए लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं थी तो बस थोड़ा सा इन्जॉय किया और उसके बाद जो है वो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मिलते रहेंगे व्लॉग्स में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।